अमेठी एक ऐसा लोकसभा क्षेत्र है जो राजनीतिक मामले में हर समय चर्चा में बना रहता है। पूर्व में ये सीट गांधी परिवार की खानदानी सीट मानी जाती थी। यहाँ से संजय गांधी, राजीव गांधी, सोनिया गांधी और राहुल गांधी सांसद बने हैं और राहुल गांधी तो 2004 से 2019 तक यहाँ से चुनकर दिल्ली पहुँचते रहे हैं। लेकिन 2019 के लोकसभा चुनावों में कांग्रेस का गढ़ कही जाने वाली इस सीट पर बीजेपी की स्मृति ईरानी सांसद बनकर काबिज हो गई और तब से अब तक यहाँ दोनों पार्टियों के कार्यकर्ताओं के बीच जबरदस्त घमासान होता रहता है। बता दें कि इसी कड़ी में आज ये घमासान और भी तेज हो सकता है, क्योंकि आज राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा अमेठी पहुंच रही है और साथ ही यहाँ की सांसद और केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी भी अपने संसदीय क्षेत्र के दौरे पर आ रही है। जानकारी के लिए बता दें कि ईरानी भी यहाँ जन संवाद यात्रा निकालने वाली है, यानी दोनों नेता आज आमने सामने होंगे। जानकारी के अनुसार अमेठी में कई जगहों पर यात्रा के स्वागत के लिए तैयारियां हो गई है। अमेठी गौरीगंज शहर में राहुल प्रियंका का रोड शो होने वाला है। इसके साथ ही गौरी राज स्थित कार्यकाल में पार्टी नेताओं की एक बैठक भी है। सुल्तानपुर राय बरेली हाईवे पर गांधी नगर बाबूगंज के मध्य एडी में कांग्रेस की जनसभा होगी। यहां उनके साथ कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे भी शामिल होंगे। वहीं कांग्रेस की इस यात्रा के अलावा शहर में आज स्मृति ईरानी भी पहुंच रही है। उनका अपने संसदीय क्षेत्र में 4 दिन का दौरा प्रस्तावित है। पहले दिन वह भी अमेठी विधानसभा क्षेत्र के गांव में पहुंच जन संवाद विकास यात्रा के माध्यम से ग्रामीणों की समस्याओं को सुनेंगी। बता दें कि कांग्रेस और भाजपा समर्थकों के बीच किसी तरह के टकराव की स्थिति ना बने, इसके लिए प्रशासन ने सुरक्षा के काफी कड़े इंतजाम भी करके रखे हैं। अब देखना ये होगा कि अमेठी में किसी तरह की टकराव की स्थिति ना हो